उधर नोएडा में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने, आम लोगों का सुरक्षित माहौल देने को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत पूरे जिले में भीड़ भाड़ वाले इलाके और मुख्य मार्ग तिराहा चौराहा संवेदनशील एरिया पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि अपराध करने वाले अपराधियों की धरपकड़ हो सके और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इसी के चलते पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थान और भीड़ भाड़ वाले इलाके और मुख्य रोड पर तिराहे चौराहे पर RWA व्यापार मंडल हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल लोगों की मदद से अब तक तीनों जोन में 8,300 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और भी लगाए जाएंगे। साथ ही प्राइवेट संस्थानों पर लगे IP लेस CCTV कैमरे को कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनका लाइव प्रसारण देख सके। नोएडा को और सुरक्षित करने के लिए और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा ऑपरेशन दृष्टि चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे ज़िले में CCTV लगाए जा रहे हैं ताकि अपराधी और लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुलकर्णी जी। आइए जानते इस पूरे मामले में अब तक कितने कैमरे लग चुके हैं और कितने लगाए जाएंगे। सर, ज़िले में अब तक दृष्टि अभियान के तहत कितने कैमरे लग चुके हैं और कितने अभी लगाए जाएंगे, किस प्रकार से कहां कहां लगाए जा रहे हैं? अभी ये ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत जनपद नोएडा में विभिन्न स्थानों पे एक CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। ये एक विशेष अभियान के तहत किया जा रहा है और इसमें ऐसे सभी पब्लिक प्लेसेस जो क्राइम के दृष्टिकोण से संवेदनशील है या कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील है, ऐसे सभी पब्लिक प्लेसेस पे CCTV कैमराज का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसमें सभी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, RWAs है और हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्रियल बॉडीज है, व्यापार मंडल है, इनका सबका सहयोग से विभिन्न स्थानों पे इस तरह के कैमरेज लगाए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य क्राइम पे कंट्रोल करना है। और अब तक जनपद में लगभग 8,300 कैमरे लगाए गए हैं और हमारा ये टारगेट है कि सभी प्रत्येक जोन में कम से कम 8 से 10 हज़ार के आसपास कैमरेज कवर किया जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म रणनीति का भी एक पार्ट है। साथ ही साथ अगले चरण में ये भी कोशिश किया जाएगा कि इसमें जो IP बेस्ड कैमराज है उनका लोगों से कंसेंट प्राप्त करके उनका फीड जो है हमारे ICCC जो हमारा ITMS का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी दिया जाएगा। अब तक यदि तीनों जोन की बात की जाए तो तीनों जोनों में कितने कैमरे लग चुके हैं? टोटल 8,300 जैसा मैंने अभी बताया कैमरेज लग चुके हैं, जिसमें सब सर्वाधिक कैमरे नोएडा जोन में लगाए हैं और उसके बाद सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में लगाए गए। थैंक यू सर। तो ये थे जॉइंट CP आनंद कुलकर्णी जी, जिन्होंने बताया कि लगभग 8,300 CCTV कैमरे लग चुके हैं और अभी आगे भी लगाए जा रहे हैं जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और नोएडा वासियों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। नोएडा से यूनुस आलम, रफ्तार मीडिया।